टीम इंडिया का स्कोर जब 34 पे 3 और 146 पर 6 था तो मानो बांग्लादेश को लगा कि कर ली दुनिया मुट्ठी में। लेकिन तभी अश्विन और जडेजा आए और कहा, रुको जरा, सबर करो, हम पुराने खिलाड़ी। और उसका असर यह होता है कि वो टीम इंडिया जो 200 पहुंचने में एक समय मुश्किल लग रहा था, वो 339 रन बना लेती है 6 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी अश्विन और जडेजा जो है दोनों खूंटा गाड़ कर खड़े हुए। अश्विन जडेजा इन चेन्नई की पिचेस पर बहुत बार मैच खेला है, सालों साल मैच खेला है। और अश्विन तो लोकल बॉय है, जडेजा चेन्नई में ही खेलते हैं सीएसके के लिए। और दोनों ने दिखाया कि वो न सिर्फ इंडिया के बल्कि दुनिया के सबसे प्रीमियम ऑलराउंडर कैसे हैं। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, आप जितनी इनकी तारीफ करें उतना कम है। जब ये गेंदबाजी करने आते हैं तो इनसे बेहतर कोई गेंदबाज नजर नहीं आता। और आज जब बल्लेबाजी की तो सारी दुनिया ने ये कहा कि भाई साहब, इनसे बेहतर कोई बल्लेबाज नहीं है। सीखना चाहिए, सीखना चाहिए केएल राहुल को, सीखना चाहिए बाकी खिलाड़ियों को जिसमें श्रेयस अय्यर बाहर बैठे हुए हैं, सीखना चाहिए यहाँ पर शुभमन गिल को, सीखना चाहिए हर उस बल्लेबाज को जो इस कंडीशन में अपने विकेट को फेंक कर चला गया। क्योंकि अश्विन और जडेजा न सिर्फ खेले बल्कि क्या खूब खेले, रनों की रफ्तार को बढ़ाया और टीम इंडिया को जीत के मुहाने पर ले आए। लोगों ने कहा कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, ये अश्विन और जडेजा की स्टाइल है। 144 पर 6 से 300 प्लस का स्कोर जाना और अश्विन का शतक लगना, ये काबिले तारीफ है। रविचंद्रन अश्विन ने अपना छठा टेस्ट 100 लगाया है। और अगर आप जडेजा की बात करेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते 7 सालों में उनका बैटिंग स्टैट जो है वो इंडिया के लगभग हर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज से ज्यादा बेहतर है। अगर आप एक दो नाम हटा दीजिए तो बाकी सबसे बेहतर बल्लेबाज जडेजा है। बीते कुछ सालों में ऊपर रोहित शर्मा और जायसवाल और नीचे जडेजा अश्विन, ये इंडिया को मैच बचा कर जाते हैं। लेकिन इंडिया ने आज दिखाया कि ये टफ कंडीशंस में उनके पास वो खिलाड़ी हैं जो रन बनाना जानते हैं। अश्विन और जडेजा वो प्लेयर हैं जिनके पास टेस्ट क्रिकेट में 800 प्लस विकेट है। और 800 से ज्यादा विकेट, साथ ही जब वो बल्लेबाजी करते हैं तब 6000 से ज्यादा रन इनके पास है। ये कॉम्बिनेशन आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। गेंदबाज जोड़ी में शिकार करते हैं लेकिन अश्विन और जडेजा दो होकर चार का काम करते हैं। जब बल्लेबाजी करते हैं तो इन दोनों की पार्टनरशिप ओवरऑल आज तक टोटल रन स्कोर 6000 प्लस है। और 800 विकेट वाले गेंदबाजों की जोड़ी में भी ये टॉप पर जाते हैं, जो अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। टीम इंडिया की आज बल्ले बल्ले रही 195 रन की पार्टनरशिप जो है वो 7वें विकेट के लिए रही, अपने आप में ये भी इतिहास है। और रविचंद्रन अश्विन को शतक लगाते देखना आज खूबसूरत नजारा था, जिसे सीएसके या कहें चेन्नई के ग्राउंड पर आज उनके माँ बाप से लेकर सभी क्रिकेट फैंस ने लुत्फ उठाया। 108 बॉल में छठी शतक, बैक टू बैक सेंचुरी चिपॉक में। और इस मैच विनर ने बताया कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि जब ये जाएंगे तो टीम इंडिया को एक्चुअली में सोचना पड़ेगा कि इनका रिप्लेसमेंट आप कैसे लाएंगे। क्योंकि अश्विन जडेजा सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं है, ये 4 खिलाड़ी हैं और होम कंडीशंस में ये पागलपन के इंतहा को पार कर देते हैं। आप बैटिंग में ऊपर फ्लॉप हो जाइए, अश्विन जडेजा जिता देंगे। आप गेंदबाजी में तो छोड़ ही दीजिए, इनके ऊपर अकेले मैच खत्म करके आ जाएंगे। और ये आलम तब है जब ये 7 और 8 नंबर पर खेल रहे हैं, 90 प्लस का स्ट्राइक रन रेट मेंटेन कर रहे हैं और इंडिया को फिलहाल जीत की दहलीज की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब यहां से इंडिया चांसेस ज्यादा है कि जीत सकती है। पहला दिन खत्म हुआ है, इंडिया के 4 बल्लेबाज बाकी हैं, 350 के आसपास स्कोर है, चिपॉक का ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर बहुत ज्यादा रन बनते नहीं है और ऐसे में इंडिया जीत की उम्मीद लगा सकती है। क्योंकि चौथे दिन यही अश्विन और यही जडेजा जो आज आपको बल्ले से जिताते हुए नजर आ रहे हैं, ये जब गेंद करने आएंगे तो चौथे पांचवें दिन बांग्लादेश की हवा टाइट हो जाएगी, आप इनके सामने एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए आज सारी दुनिया जो है वो रवि अश्विन और जडेजा की तारीफ में कसीदे पड़ रही है। रविचंद्रन अश्विन का ये 101 मैच था, 101 मैच। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 101 मैच में अश्विन के नाम 500 प्लस विकेट है। 36 बार वो 5 विकेट निकाल चुके हैं, 8 बार 10 विकेट निकाल चुके हैं और जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो 14 अर्धशतक और 6 शतक लगा चुके हैं, विच डिफाइंस कि अश्विन इज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। ऑल टाइम ग्रेट की हम बात कर रहे हैं। अश्विन जडेजा अगर इन दो को मिला दें तो इनसे बेहतर जोड़ी दुनिया की क्रिकेट में कहीं भी आपको नजर नहीं आती है। कोई भी जोड़ी ऐसी नहीं है जिसने 6000 प्लस रन और 800 प्लस विकेट निकाले। ये दो ऑलराउंडर जो 7-8 नंबर पर आते हैं, ये 30 ओवर गेंदबाजी करते हैं और 30 ओवर बल्लेबाजी करने का दमखम भी रखते हैं। एंड दैट इज द रीजन आज जब 34 पर 3 से 144 पर 6 और फिर
347 पर 6 हुआ और जब ये लौटे तो आज टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स ने, पूरे ड्रेसिंग रूम ने इनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। दे डिजर्व इट, दे ट्रूली डिजर्व इट, बिकॉज अगर ये आप 195 रनों की पार्टनरशिप हटा दें तो 146 पर 6 गिरने के बाद लोग ये मान रहे थे कि इंडिया मैच हार सकती है। सब ने हथियार डाल दिए थे। आप खिलाड़ियों के स्टैट देखिए, जयसवाल 56 रन, रोहित शर्मा 6 रन, गिल 0, विराट 6, ऋषभ पंत 39 रन, केएल राहुल 52 गेंद पे 16 रन। उसके बाद जब 6 विकेट गिर जाता है तब आते हैं अश्विन, जिन्होंने 91 के स्ट्राइक रेट से 102 रन बनाए। यानी न सिर्फ विकेट बचाया बल्कि स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, और उसी का असर है कि टेस्ट क्रिकेट में लगभग 350 रन एक दिन में बनते हैं। और इंडिया को हम कह रहे हैं कि इंडिया यहां से विन विन सिचुएशन में है, इंडिया यहां से बल्ले बल्ले सिचुएशन में है, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपने बांग्लादेश पर एक बहुत बड़ा प्रेशर दे दिया है। बांग्लादेश को अब यहां से कुछ कैरिस्मैटिक करना होगा अगर इस मैच में उन्हें वापसी करनी है। लेकिन फिलहाल इन दोनों की बल्लेबाजी को लेकर, इन दोनों की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, और क्या अश्विन जडेजा से बड़ा दुनिया में कोई ऑलराउंडर नजर आता है? जस्ट इमेजिन कीजिए आप कि जिस दिन ये रिटायर होंगे आपका लोअर मिडिल ऑर्डर कितना खराब हो जाएगा। आई मीन 7-8 नंबर पर इतने बड़े बल्लेबाज, इनसेन। और क्या इनसे केएल राहुल, शुभमन गिल और बाकी खिलाड़ियों को सीखना चाहिए? क्योंकि जडेजा 42 का एवरेज है, 43 का एवरेज ऑलमोस्ट उनका है 2017 से। अश्विन, आई मीन ग्रेट पीपल यार। और क्या यहां से इंडिया मैच हारेगी? वेल इट सीम्स कि इंडिया यहां से जीत सकती है अगर बिल्कुल ही खराब नहीं खेला। बुमराह, यू हैव अश्विन, यू हैव रविंद्र जडेजा, सिराज, अगर सीमिंग कंडीशन हुई तो तेज गेंदबाज, चौथे पांचवें दिन स्पिन कंडीशन हुई, यू हैव द बेस्ट स्पिन बॉलर इन द वर्ल्ड। होप इंडिया ये मैच जीतेगी।